मनोज जल्दी से त्रिशूल ले, मार दे उसे। रघु ने जोर से चिल्लाकर मनोज से कहा। ये शब्द मनोज के कान पर पड़े और मनोज ने जमीन पर पड़े त्रिशूल को उठाया और सामने खड़े दैत्य के पेट में उतार दिया। त्रिशूल पेट में जाते ही उस दैत्य की चीख ने खजाने के गुफा को भर दिया। खजाने की खोज में आए मनोज और रघु को खजाना तो मिला, लेकिन उसकी रक्षा कर रहे दैत्य के साथ मनोज और रघु की लड़ाई हुई। दैत्य के ही हाथ से फिसले त्रिशूल को मनोज ने रघु के कहने पर जमीन से उठाया और उससे दैत्य को खत्म कर दिया। दैत्य की लाश गुफा के बाहर पड़ी हुई थी। मनोज और रघु गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। रघु ने मशाल जलाई और उसके उजाले में दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने हीरे मोती और सोने से खचा खच भरे कई सौ बक्से थे। उनकी चमक से मनोज और रघु की आंखों में सोने का रंग उतर आया। मनोज ने अपने आप को संभाला और चार कदम आगे जाने के बाद उसने चमक रहे बड़े से हीरे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एक काले नाग ने फिस से फन निकालकर मनोज को डस लिया। मनोज अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसने आंखें खोली तो उसके सामने रघु सुबह की चाय लेकर खड़ा था। रघु ने उसके पास बैठते हुए हंसी के साथ कहा, क्यों भाई, आज फिर से वही सपना? मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। रघु ने कहा, हर 7-8 दिन में एक ही सपना देखता है, लेकिन असल जिंदगी में खजाना कब दिलवाएगा? मनोज ने रघु के हाथ से चाय लेते हुए कहा, सपना तो हमेशा ही आता है, पता नहीं क्या मन में है ऊपर वाले के। ऊपर वाले के मन का तो पता नहीं, पर अगर हम समय से काम पर नहीं गए तो हमसे ऊपर जो बैठा है हमारा बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा, इसलिए चल जल्दी से। मनोज ने जल्दी जल्दी चाय पीना शुरू किया। मनोज और रघु दोनों अलग अलग गांव से इस शहर में आए थे। दोनों ने MSW से डिग्री लेकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे थे। उनका काम था वृद्धाश्रम में सरकारी अनाज का जमा खर्च रखना, लेकिन उनका काम में मन नहीं लगता था। दोनों जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते थे, इसी वजह से वो वृद्धाश्रम में आने वाले अनाज को चोरी छिपे छोटे मोटे व्यापारियों को बेचा करते थे। मनोज को खजाना मिलने का सपना हमेशा आता था, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती जिससे उसे सपने में खजाना नहीं मिल पाता, पर उसके मन में खजाने को पाने की ललक हमेशा से थी। इसमें रघु भी उसका साथ देता था। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे साथी थे। मिलीभगत करके दोनों सरकारी अनाज की चोरियां करते थे। आज दोनों अनाज की रसीद लेने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्हें देखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे और धूप सेक रहे बंसी काका ने उन्हें आवाज लगाई, अरे ओ राम और श्याम, कहाँ जा रहे हो? अरे इधर तो आओ। दोनों काका के पास आए और उनके करीब बैठते हुए मनोज ने कहा, क्या चाचा जी, हरिद्वार जाने की उम्र में दुनिया की खबरें जुटा रहे हो, बताओ क्या है आज की ताजा खबर? भाई, नामचीन डाकू मंगल सिंह और उसके गिरोह का भानगढ़ में रहस्यमय तरीके से खून हुआ है। रहस्यमय तरीके से? ऐसा कुछ नहीं होगा, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया होगा, बदनामी से बचने के लिए कह दिया होगा कि रहस्यमय तरीके से मरे हैं। अरे ढप और शंख, जिस पर 50 लाख का इनाम हो उसे तो पुलिस मारने के बाद जिना तान कर कहेगी कि इसे तो हमने ही मारा है, है कि नहीं? उन्हें मारा होगा उसी ने। किसने काका? भानगढ़ के रक्षक ने। कई सौ सालों पहले की बात है, उस जमाने में राजा मान सिंह भानगढ़ के राजा हुआ करते थे। उनके पास हिंदुस्तान के करीब करीब उस समय के 50%
सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब का खजाना हुआ करता था। राजा मान सिंह बहुत बहादुर थे और उन्होंने हर लड़ाई जीतकर ये खजाना जमा किया हुआ था। इतना खजाना होने से काफी दुश्मन राज्यों की नजर उस खजाने पर थी, पर उसे कोई भी लूट नहीं पाया, ना ही उसे चोरी कर पाया। एक बार साधु उनके यहाँ आया था। उस रात आसमान साफ था, चांद भी अपने पूरे आकार में चमकते हुए अपने होने का प्रमाण दे रहा था। साधु अपने कक्ष में सो रहे थे, अचानक ही उनकी आंखें खुली और वो उठकर उनके कक्ष के बाहर चले गए। रात के समय का तीसरा पहर था, इसीलिए किले में घनघोर शांति बनी हुई थी। साधु ने महल के बाहर प्रांगण में बने खंभे के पीछे छुपकर झांकते हुए देखा कि एक पहरेदार सैनिक गहरी नींद में है। उसके पीछे से हल्के कदमों से साधु महल के अंदर दाई तरफ मुड़ा। खजाने के कक्ष के बाहर आकर उसने पहरा दे रहे सैनिक के पीछे से आकर उसके मुंह को दबाते हुए उसे अंधेरे में खींचा। उसे खत्म करने के बाद और एक सैनिक से साधु का मुकाबला हुआ तो उसे भी साधु ने मार दिया। अब साधु खजाने के कक्ष में था। उसके सामने बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात थे। उसकी रोशनी से साधु की आंखें चकाचौंध हो रही थी। अभी साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। साधु ने पलट कर देखा तो उसकी रूह डर के मारे कांप उठी। बड़े दांत वाला, लंबे नाखूनों वाला और शैतानी शक्ल सूरत वाला एक लंबा सा शैतान उसके सामने खड़ा था। साधु कुछ कर पाए उसके पहले ही उस शैतान ने साधु के गले पर अपने लंबे नाखूनों से वार किया। सर से खून के छींटे साधु के गले से निकले और साधु जमीन पर जा गिरा। तड़पते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महल के प्रांगण में साधु का शव पड़ा था। अगल बगल कुछ सैनिक, मंत्री और राजा मानसिंह खड़े थे। महामंत्री ने राजा से कहा, खुद को सिद्ध पुरुष कहलाने वाला ये एक ढोंगी पाखंडी साधु था जो कि किले में चोरी करने आया था। हमारा खजाना या उस कक्ष की कोई चीज हमारे और हमारे परिवार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति छू तक नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा उसका यही हश्र होगा। घनघोर जंगल की खामोशी में कुछ कदमों की हलचल महसूस हुई। तभी घास खाते हुए एक हिरन ने अपने कान खड़े किए, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से चरना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर एक बाण उसे अपना निशाना बनाने के लिए तैयार था। ये निशाना ताने हुए धीरे धीरे राजकुमारी विद्या हिरन के करीब जा रही थी। अब हिरन राजकुमारी के बिल्कुल सही निशाने पर था। तभी उसे पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक तेंदुआ राजकुमारी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अगले ही पल वो राजकुमारी की तरफ कूद पड़ा। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन तभी एक सपाक से आए एक बाण ने तेंदुए के गर्दन को भेदा। तेंदुए ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ा। महामंत्री के बेटे धनानंद का वो बाण था जिसने तेंदुए की जान ली। धनुष अपने कंधे पर रख कर धनानंद ने विद्या के पास आकर कहा, आज हम सही समय पर आए, नहीं तो इस तेंदुए ने तो आपको हमसे छीन ही लिया था। आपके रहते हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके पिता के राज्य में हमारा प्रेम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये राजपाट से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है हमारे लिए, इसीलिए तो कह रहे हैं
कि खजाने के कक्ष में जो कांच का बक्सा बना हुआ है उसे जल्द से जल्द हमें दे दो। उस बक्से में नक्शा है जो हमें इस राज्य से गुप्त तरीके से निकलने का रास्ता बता सकता है। उसे जल्द से जल्द हासिल करें और फिर हमें हमारी अपनी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। पर उस नक्शे के बिना हम यहाँ से निकल नहीं सकते, और अगर हम वैसे ही तुम्हारे किले से भागे तो कुछ ही समय के अंदर हम पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे हाथ में वो नक्शा होगा। रात के दूसरे पहर जब आधे से ज्यादा किला नींद की आगोश में था, वही धनानंद के कमरे के दिए अब तक जल रहे थे। तभी आवाज में महामंत्री अपने बेटे धनानंद से कह रहे थे, कुछ भी करके हमें वो नक्शा चाहिए, उसके जरिए ही हम राजा विश्वनाथ की मदद कर सकते हैं। एक बार दुश्मन राज्य की सेना यहाँ तक गुप्त रास्ते से आ गई, फिर तो राजा मानसिंह को परास्त होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी धनानंद की नजर उनकी बातों को सुन रहे एक साये की तरफ गई। धनानंद उस साये की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उस साये ने धनानंद को अपने ओर आते देखा, वो साया वहां से भाग गया। लगता है उसने हमारी बातें सुन ली, खत्म कर दो उसे। धनानंद उस साये के पीछे अपनी नंगी तलवार लेकर कक्ष के बाहर गया। एक मशाल के उजाले के नीचे से उस साये को भागते धनानंद ने देखा तो वो चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी विद्या थी, जो कि खजाने के कक्ष से कांच का बक्सा लेकर धनानंद के साथ भाग जाने के उद्देश्य से धनानंद के कक्ष में आई थी। महामंत्री की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वो वहां से भागी। राजकुमारी विद्या एक अंधियारे किले के गलियारे में पहुंची, धनानंद भी उसके पीछे भागता चला गया। भागते भागते अंधेरे से सने एक गुप्त दरवाजे के अंदर राजकुमारी ने प्रवेश किया। वो एक कक्ष में आई, उसके पीछे पीछे धनानंद भी वहां पहुंचा। थोड़ा हाफते हुए धनानंद की नजर राजकुमारी के हाथ के बक्से की तरफ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। चलो वो बक्सा दे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने नामे गर्दन हिलाई। धनानंद राजकुमारी की तरफ बढ़ा और उसने राजकुमारी पर तलवार चलाने ही चाही कि धनानंद की दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसकी लगभग सारी अंतड़ियां बाहर आ चुकी थी। वो धम्म से जमीन पर जा गिरा। भानगढ़ के रक्षक ने धनानंद के पीठ में अपने धारदार नाखून घुसाए थे। राजकुमारी गुप्त दरवाजे से भागते भागते जिस कक्ष में आई थी, वो कक्ष खजाने का कक्ष था, जिसकी रक्षा कर रहा था भानगढ़ का रक्षक। राजा मानसिंह और उसके वंशज के बिना कोई भी दूसरा उस कमरे में नहीं आ सकता था। भानगढ़ के रक्षक का खौफनाक रूप और सामने मरे पड़े धनानंद को देखकर राजकुमारी विद्या बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ये कहानी सुनकर मनोज और रघु दोनों सन्न रह गए। उस खजाने के कक्ष में आज भी कोई नहीं जा सकता, बशर्ते वो राजा मानसिंह का वंश ना हो। तो चलो भाई, बड़ी बातें कर ली, मैं जरा अब आराम करने जाता हूँ। ऐसा कहकर बंसी काका वहां से चले गए। कुछ सोचते हुए मनोज ने रघु से कहा, कुछ समझा? राजा का वंश अभी भी उस खजाने के कक्ष में जा सकता है। अगर हम उसके वंश को ढूंढते हैं तो सोच, खजाने के मालिक सिर्फ हम ही रहेंगे, दुनिया के पहले 10 अमीर लोगों में अपनी गिनती होगी। पर उसके वंशज होंगे कहाँ? हाँ, जो खजाने का सपना आता है ना, हमेशा इसीलिए आता था। गुरु, अब हमें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, बस हमें अब ढूंढना राजा मानसिंह के वंश को है। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हाँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।